नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही कानपुर में जो घटना घटी हुई है उसी के संदर्भ में इस आर्टिकल को लिखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उस व्यक्ति ने लिखा है, पिका सिंह, वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे आर्टिकल लिखा गया है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए बताता हूँ। एक बात सोचने वाली ये है कि अब तो कई कड़ियां खुल रही हैं उस हत्याकांड में। जिस तरह से 8 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं उसमें आप देखिए कि पुलिस वालों की गलती ही के कारण, कि मतलब उन्हीं से मिले होने के कारण अपराधियों से, बेचारे वो पुलिस वाले जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं वो शहीद हो चुके हैं। समझ में आया? उसके बाद आपका सोचने लायक बात है एक, कि 3 दिन 4 दिन होने जा रहे हैं अभी तक, यानी कि जो अपराधी है वो नहीं पकड़ा गया है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में अंदर अपराधी है फिर भी 3 दिन हो चुके हैं 4 दिन नहीं पकड़ा जा रहा है। हम कहाँ तक निपटेंगे बाहरी ताकतों से जब हम खुद अपनी ताकतों से लड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कि 3 दिन कहाँ जाता। अब मुझे लगता है कि सही बात है कि आप जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी हमले होते हैं, कहाँ से गाड़ी आती है, कहाँ से क्या आता है, उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी है। चलिए आपके प्रकाश सिंह क्या बोल रहे हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे देश में पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय समय पर वीर गति को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु जैसी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है वैसी सामान्यतः हमें कश्मीर, पूर्वोत्तर से या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों से ही सुनने को मिलती रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना पूरी देश को झकझोरने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ जो जंगल है, यहाँ ना तो जंगल है और ना ही आतंकवादियों का पेट है। ये कुप्रख्यात अपराधी द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी ये बात, आप एक सोचिए कि हमारे वो जवान, मतलब वो सैनिक मारे जाते हैं जो बेचारे अपनी जिंदगी, मतलब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आपने देखा है ना कि कई बार सुन रहे हैं कि वो थाने वाले की जो CMO साहब थे वो उनकी शिकायत भी करते आ रहे हैं कि ये करप्ट है थानेदार, फिर भी नहीं सुनी गई है। उसमें से वो जो थानेदार था वो बच जाता है। सबसे बड़ी सोचने वाली तो बात यही है कि जिसके थाने में ये क्षेत्र में ये घटना घटती है वो थानेदार उस एनकाउंटर में बच जाता है और हमारे 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, उनमें से आपके SI हैं, CMO हैं, ये सभी लोग। इस भीषण वारदात को लेकर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह घटना कैसे हुई है, आरोपित विकास दुबे कहाँ है, इसकी पूरी जानकारी थी। 3 थानों की पुलिस उसे पकड़ने जाती है परंतु उसे लेने की देने पड़ जाती है किसी पुलिस को। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस दल तैयारी के साथ नहीं गया था। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि इससे पहले एक राज्य मंत्री का थाने में ही मर्डर कर दिया था उसने। समझ रहे हैं आप लोग, थाने में ही, और किसी ने, वो केस चला बहुत लंबे तक समय तक और किसी ने गवाही नहीं दी पुलिस वालों ने। वो वहाँ आपके 25, सुनते हैं कि 25 पुलिस वाले थे और दरोगा SI थे, किसी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। समझ सकते हैं कि कितना उसकी सांठगांठ रही होगी। और आप सोच सकते हैं कि 25-30 साल से वो ये सब काम कर रहा था, आज तक किसी की मतलब हिम्मत नहीं हुई कि उसकी उसे पकड़कर जेल में डाल सके, मतलब इतना ताकतवर वो अपराधी था। कई पुलिसकर्मियों के पास कोई हथियार नहीं था, ना ही ना तो किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी और ना ही किसी के पास हेलमेट पहन रखा था। फील्ड क्राफ्ट और रणनीति के जो नियम होते हैं उन सब की अवहेलना करते हुए दबिश दी गई। दूसरी बड़ी बात है, विचित्र बात यह है कि पुलिस का अधिसूचना तंत्र लगभग शून्य था, जबकि विकास दुबे को पुलिस की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। स्पष्ट है कि किसी ने विकास दुबे के लिए मुखबरी की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुलिसकर्मी ने उसे आगाह किया था। यह और शर्म की बात है, यहाँ सब देख याद देखिए और शर्म की बात है। इससे तो घर का भेदी लंका ढाए, बालिकावत चरितार्थ होती है। पुलिस बल को अपने सावधानी और तैयारी से ना जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और कई लोग तो बता रहे हैं कि पुलिस वाले निपटाने यानी रिपोर्ट लिखने की बजाय विकास दुबे की तरफ यानी कि अपराधी की तरफ रहते थे हमेशा। और आप इस घटना को एक को मत लीजिए,
कई थानों में ये आप घटना देखते भी हैं कि वहां की पुलिस अपराधियों से अधिक अपराधियों से मिली रहती है। एक बात आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, सेना पर हम लोग भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भरोसा है कि सैनिक ईमानदार होता है। और पुलिस वालों को आप देखते हैं किस नजर से देखा जाता है हमारे समाज में, क्योंकि उनका एक रूप इस तरह से गढ़ चुका है समाज में कि ये भ्रष्ट, और मतलब इनके बारे जो भी जितने भी गलत सोच सकते हैं उतना सोचते हैं समाज। आप समझ सकते हैं कि 50 पुलिसकर्मियों को खड़ा कर दीजिए, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। एक आर्मी वाले को खड़ा कर दीजिए, उस पर भरोसा करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जब शुरू में आए थे तब कई जगह रैलियां की, तो वो 5 से 7 हजार पुलिस लगी होती थी। अब आप जाते हैं कि दो चार अगर मिलिट्री वाले होते हैं तो वहां भी हमारे प्रधानमंत्री साहब पहुंच जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों से ज्यादा भरोसा आर्मी वालों पर किया जाता है। एक कड़वी सच्चाई है, शायद आप लोग समझें या ना समझें। कभी आपने सैनिक वाले को गलत काम करते हुए देखा है? मुश्किल से एकाध अगर हो जाए गलती तो गलती हो जाती है, वरना वो अपनी जान का पूरा जोखिम लेते हुए, जिस दिन वो करप्ट हो जाए उस दिन तुम्हारे देश का काम खत्म हो जाए। एक समझ में आया आपको कि जिस दिन वो बॉर्डर से हट जाए और मिली भगत कर लें उस दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उन पर भरोसा है और ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम लोग इसीलिए चैन से सोते हैं क्योंकि वो उन पर भरोसा है हमें। पुलिस वालों का आप हाल जानते हैं, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। समाज में क्या हाल है पुलिस वालों का? अभी तभी अभी आपने तमिलनाडु में देखा है कि देखिए मुजरिम बज रहे हैं, अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बेगुनाह है बेचारे, अभी बाप बेटे को देखा है आपने किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद मार दिया गया है। तो समझ रहे हैं आप लोग, कानपुर की घटना को और गहराई से मैं भी देखने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज नेता, सरकारी तंत्र और अपराधियों के बीच सांठगांठ की बड़ी भयंकर समस्या है। इस समस्या की जानकारी सभी को है, परंतु उस पर प्रहार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे। नतीजा यह है कि विधानमंडलों और संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार 143 विधायकों यानी कि कुल संख्या के 36% के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। इसमें 107 यानी 26% विधायक ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए गए। आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हमारी विधानसभा में हों तो उनसे किस राज्य राम राज्य की आशा की जा सकती है? इनका न केवल अपराधियों से मेलजोल होगा बल्कि उनके ऊपर इनका बरदहस्त भी होगा। ऐसी स्थिति में कानपुर जैसी घटना का होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आप बबूल का बीज डालेंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेंगे। यहां सीधा सा मतलब किया जा रहा है बीजेपी, कांग्रेस या फिर सपा, BSP, इस तरह के किसी पर डायरेक्ट प्रहार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि हर पार्टी में अगर आपने मर्डर किया है तो आपको तवज्जो दिया जाएगा और आप जीतने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, ये हकीकत बन चुकी है। आज से कुछ साल पहले क्या हुआ करता था कि नेताओं को ये अपराधी सपोर्ट किया करते थे, लेकिन इनके दिमाग में विचार आया कि हम जब नेता को जिता सकते हैं तो खुद क्यों ना हम नेता बन जाए। तो यही अपराधी अब आपकी संसद विधानसभाओं में जाने लगे हैं। और आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में अगर ये बैठते हैं तो अपने लिए कानून कैसे बनाएंगे? अपने विरोध तो कोई कानून नहीं बनाएंगे, अपने ही पक्ष में कानून बनाएंगे। और आप स्थिति समाज की देख रहे हैं। एक बात आप लोग हमेशा समझते हैं कि 1947 से हम आजाद हुए, तब से हम एक नारा देते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, आज तक हटी है नहीं ना? उससे आप लोगों को जनता भी उतनी भागीदारी है, किसी को कम मत आंकिए। केरल का आप लोगों को कई बार उदाहरण दे चुका हूं। केरल की स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, लिंगानुपात में देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए, रोजगार के मामले में देख लीजिए, हमसे कई गुना बेहतर स्थिति में है केरल, क्योंकि हम जैसे अंधवत यानी कि हम जैसे अंधी आंखों वाले पैदा नहीं हुए वहां। हम 70 साल तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं आंख बंद करके, अब हमने BJP को शुरू किया है देने, और हम किसी और पार्टी को, हम भक्त बने रहते हैं। सीधा बात, हम इस जाति के हैं तो इसको वोट देंगे, उस जाति के हैं उस वोट को देंगे। एक केरल में आपको ये स्थिति नहीं मिलेगी देखने को। वहां मुद्दा रहा है हमेशा कि हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए और हमें खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। वहां आप इसीलिए देखते हैं कि व्यवस्था ठीक है और पढ़ाई लिखाई में केरल आपसे कई गुना बेहतर स्थिति में है। तो यहाँ आपने सही बात
लिखा है इन्होंने कि बबूल का पेड़ बीज डालोगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेगी। इसी तरह आप जिस नेता को चुनेंगे उसी तरह से परिणाम मिलेगा आपके सामने। और आप एक बात हमेशा समझिए कि आज चीन से हम बराबरी करने जा रहे हैं, गलत नहीं है, ठीक है आप बराबरी करिए, लेकिन हकीकत को सच्चाई होती है उसे भी सुन लीजिए, सुन लिया करिएगा। कोई बताता है तो आपकी मिर्च लगती है, बुरा लगता है। चीन हमसे 2 साल बाद आजाद होता है, 1947 में हम आजाद होते हैं, 1949 में चीन आजाद होता है। लेकिन आपने देखा है कि चीन हमसे कई गुना आगे निकल चुका है हर क्षेत्र में, आप देख लीजिए, समझ में आए, जीडीपी में देख लीजिए और भी चीजों में देख लीजिए, चाइना हमसे कई गुना आगे निकल गया है और हम वहीं के वहीं रहेंगे। उस सबका श्रेय जो जाता है इन्हीं नेताओं को जाता है। कहा जाता है कि विकास दुबे को अलग अलग समय पर विदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त होता रहा है। निसंदेह नेताओं की जिम्मेदारी तो है ही, जनता को भी अपना चेहरा शीशे में देखना होगा, आखिर उन्हें उन्हीं के वोट से तो ये लोग चुने जाते हैं और प्रदेश एवं केंद्र में विधानसभा लोकसभा को सुशोभित करते हैं। अपने देश में नाजायज असलहा की समस्या भी काफी गंभीर है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 7 करोड़ से अधिक हथियार हैं और यही संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर मानी गई है। इसमें केवल 1 करोड़ हथियारों का ही लाइसेंस है, शेष 6 करोड़ अवैध हैं। उत्तर प्रदेश में इन अवैध हथियारों का अच्छा खासा जखीरा होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर इनकाउंटर में विकास दुबे के गुर्गों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, आखिर ये हथियार उसके पास कहां से आए, वो पुलिस की को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी, और जानकारी थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। समाचार पत्रों के अनुसार विकास के गैंग ने पुलिस से एक के 47 राइफल, एक इनसोस राइफल और 2 पिस्तौल भी छीन ली थी, यह पुलिस के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। और आपको बताएं, यहां बात की जा रही जनता की, जनता ही जिम्मेदार है इसके लिए। एक बात आप समझिए कि अभी एनकाउंटर कितने हुए यूपी में, आपने योगी सरकार आई है जब से इनकाउंटर पर इनकाउंटर होते रहे हैं, कई निर्दोष भी मारे गए हैं, कई दोषी भी मारे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सोचिए, फिर भी विकास दुबे नाम का ये अपराधी बचा रहता है। अगर इसकी साठगांठ ना हो सरकारों में तो 3 साल से इसके नाम का तो हम लोगों ने चर्चा भी नहीं सुनी है ना, समझ में आए, तो यही हाल है। और आप सोचिए कि पुलिस से हथियार छीन ले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय आ गया है कि हम अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी नए सिरे से दृष्टि डालें। सच्चाई यह है कि दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 में कुल 4,14,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में पकड़े गए। इसमें केवल 1,44,274 व्यक्तियों को ही सजा हो पाई, यानी कि समझ रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा इससे छूट गया, यानी केवल 34% को ही सजा हो पाई है। एक बात और आप लोग यहाँ याद रखिए कि आपने संपत्ति का उसका नुकसान कर दिया है, उसने क्या मेहनत करके कमाई थी जो आपने इतनी खुशियां मनाई। मैं मानता हूं कि मेरी तरफ से इच्छा थी कि इसे जब्त करके गरीबों में जो भी मतलब इसका सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए। आप सोचिए कि कारें किस तरह से ध्वस्त कर दी गई, सामान इस तरह से, ये सबको बेचकर एक फंड बना लेना चाहिए था, उससे आपका काम चलता रहता। तो आपने गुस्सा, यानी कि आपका गुस्सा दूसरी जगह निकाला गया। और अभी देखने वाली एक बात सामने आएगी कुछ दिनों बाद कि ये बचता है, एक जो अपराधी है ये इस तरह के अपराध से बच जाता है या पकड़ा जाता है, इस पर सजा होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारी व्यवस्था को धूमिल कर दिया कि 4 दिन 3-4 दिन हो गए हैं फिर भी हमारे कानून व्यवस्था के हाथों नहीं चढ़ पाया अपराधी। आप समझ सकते हैं कि देश का ही व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहां विदेशों से ढूंढ के लाएंगे। अदालतों में मुकदमा के लंबा खींचने की स्थिति भी अत्यंत सोचनीय है। उत्तर प्रदेश में 2018 में विभिन्न न्यायालयों में कुल 10,27,583 मुकदमे विचाराधीन थे, इनमें से केवल 65,130 को ही सजा हो पाई है। वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का 90.8% रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मुकदमों के निस्तारण में बहुत समय लगा है और सजा भी कम ही अपराधियों को होती है। विकास दुबे को ही देखा जाए तो 60 आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के बावजूद वह छुट्टा बाहर घूम रहा था। एक मंत्री की हत्या तक में उसे सजा नहीं हो सकी, यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है।
सीधा आपकी न्यायिक व्यवस्था पर प्रहार करें। और ये आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है जो पुलिस व्यवस्था में रहे हैं, एक उच्च पद पर रहे हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें सब पता होगा, पूरा माहौल। समग्र स्थिति पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सिविल एवं पुलिस सेवा और राजनीति सभी में दीमक लग गया है। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है। न्याय व्यवस्था आम आदमी को तो दंड दिला देती है, परंतु जो राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं उनके विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है। देश के प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं और पुलिस में कानून के प्रति प्रतिबद्धता गिरती जा रही है। अधिकांश अधिकारी अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए हैं। राजनीति का स्तर और भी गिरता जा रहा है। देशद्रोही की बात करने में भी लोग अपनी शान समझने लगे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। पुलिस सुधार की बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को के कान पर जू भी नहीं रेंगती है। यदि इन हालात में सुधार नहीं लाया गया तो एक दिन देश से लोकतंत्र का जनाजा उठ जाएगा। आवश्यकता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन की सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक ढांचे में, न्याय व्यवस्था में और सिविल सेवा और पुलिस की कार्यप्रणाली में और अधिक राजनीतिक परिवेश में। एक बात बताऊं आपको कि आप हकीकत समझ सकते हैं कि आज आप चुनाव नहीं जीतेंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने एक दो मर्डर नहीं किए हुए हैं। ईमानदारी से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। आप सोचिए कि जितना हमारा चुनाव आयोग करता है कि इतना पैसा खर्च करिए, 40 लाख, 80 लाख, आपको लगता है कि 40-80 लाख में आजकल विधायक और सांसद बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। वैसे विधायकों को खरीदने के लिए 5-10-10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो आपने जितने मर्डर किए हैं, जितनी गुंडागर्दी हैं, आप जो भी हैं, आप ज्यादा नेता पावरफुल माने जाएंगे और आपको ही हर पार्टी तवज्जो देगी। ये हाल है हमारे देश का। चलिए, राम भरोसे चल रहा है तो चलने दीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात की थी। आपने देखा था कि कितनी समितियों ने अपनी सिफारिश दी है। 1960 के करीब से आपकी सिफारिशें की जा रही हैं, आज तक लागू नहीं हो पाई हैं। चलिए, राम भरोसे रखिए देश को, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ी आप लोग भी खुद जागरूक हुआ करिएगा, बिना आंख बंद करके दे आते हैं वोट। और नेता तो यही चाहते हैं कि आपके बच्चे ना पढ़े। अगर आपके बच्चे पढ़ गए और सही गलत का फैसला करने लगे तो केरल जैसा हाल होगा पार्टियों का कि वोट ही नहीं देंगे कोई। आप दिल्ली की मुझे अच्छी जनता लगी कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया था, मानिए या ना मानिए, आपको शायद फ्री, कई लोगों ने, मैंने देखा है कि कई लोग बोल रहे थे कि फ्री का बांटा है उसने, फ्री का बांटा है। अरे आप भी तो फ्री का लेते हैं, अभी इलाज के लिए कोई योजना आ जाए आप लाइन में लग जाते हैं। और रही बात फ्री फ्री की, तो आपने जियो के लिए, मैंने देखा है बड़े बड़े घर के लोग भी जियो के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो ज्यादा फ्री फ्री का मत बका करिएगा, कभी अपनी स्थिति भी देख लिया करिएगा आप हो कौन। और अभी कुछ दिन पहले कोरोना की इस महामारी में कई गरीब मर रहे थे, कई आपने देखा है सड़कों पर बच्चे को जन्म दे रही थी माँ, उसके बारे में भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे लोग। अभी मतलब इंसान हो के हैवान, समझ में नहीं आता है कभी भी अपनी जग अपनी क्या बोले यार, मतलब अपने आप को भी रख लिया करो उनकी जगह, कभी सोचा करो। कई लोग लिख रहे थे कि वो ट्रेन की पटरी पर मिलने के लिए मरने गए थे, वो ऐसा करने गए थे। कोई अपने आप मरना चाहेगा? आप भी मर जाओगे इतना वो है तो थोड़ा सोच समझ के पोस्ट डाला करिएगा, कमेंट किया करिएगा, कि भगवान से तो डरा करिएगा थोड़ा बहुत, भगवान को मांगते तो। चलिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और भगवान भरोसे छोड़िए, थोड़ा अपने आप को सुधारते रहिए, मिलते रहिए करिएगा।